हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन रेसिपी आस्क मी हाउ। मैं हूँ शबी और आज मैं बनाने वाली हूँ रबड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। रबड़ी बनाने के लिए जो भी चीज़ें हमें लगने वाली है वो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मीडियम से हाई फ्लेम पर हमने कढ़ाई को गर्म करे है और अब मैं यहाँ पर असली घी यहाँ पर डाल रही हूँ, ये देखिए, ताकि हमारा दूध ना जले। बफेलोज़ मिल्क, भैंस का दूध, मैं यहाँ पर औटा के इसमें डाल रही हूँ। टोटल मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल 1 लीटर की हूँ। सिलिकॉन का चम्मच यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रबड़ी बनाने के लिए। दूध को हाई फ्लेम पर ही रखना है, हमें लो नहीं करना है। अब बारी आती है शक्कर की। शक्कर डालते वक्त आपको थोड़ा सा अपना अंदाज रखना है कि आपको किस तरह से रबड़ी खाना है, खूब ज़्यादा मीठी या थोड़ी कम मीठी। यहाँ मैंने 5 से 6 बड़े चम्मच शक्कर के ऐड की हूँ और अब इसे बहुत अच्छे से हमें चलाना है। अब बारी आती है यहाँ पर इलायची पाउडर की। इलायची पाउडर यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच के करीब। इसका एसेंस, खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़िया आती है रबड़ी में, ये देखिए। इस तरह से अब इसे बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी हाई फ्लेम पर ही। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, धीरे धीरे दूध जो है उसका लेवल जो है वो नीचे जा रहा है, मतलब हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो रहा है। देखिए इस तरह से दूध पकने लगा है और साइड की जो खुरचन है उसे हमें निकाल के अच्छे से मिलाना है। यहाँ मैं थोड़े बादाम ऐड कर रही हूँ कटे हुए। फिर से इसे चलाएंगे। आपको कढ़ाई छोड़कर कहीं नहीं जाना है, इसे बहुत ही इत्मीनान से बहुत अच्छे से इसे चलाते रहना है ताकि इसकी साइड की जो खुरचन जमी हुई है वो रबड़ी में आप ऐड कर सको। इसी तरह से लच्छेदार रबड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तीन बड़े साइज़ के ब्रेड ले ली हूँ मैंने और इसे पीस ली हूँ, ब्रेड क्रम्स बना ली हूँ और ये देखिए इस तरह से इसमें मिक्स कर ली हूँ। 1 लीटर दूध में यहाँ हम 3 बड़े साइज़ के ब्रेड को पीस के इसमें डाले हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट आ रही है, ये देखिए। इस तरह से इसकी खुरचन को साइड साइड से निकाल निकाल के औटाना है दूध को। गैस का फ्लेम बंद करके ढक के इसे 10 मिनट तक छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से अब हमारी रबड़ी बहुत अच्छे से बन के तैयार है, जम गई है। 15 से 20 मिनट लगा हमें इस रबड़ी को बनाने में। अब इसे आप सर्व कर सकते हैं ठंडी या फिर गरम। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसे रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी 2 घंटे और उसके बाद में ठंडी सर्व करती हूँ। अगर आपको गरम पसंद है तो आप गरम रबड़ी भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।